वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद भावना। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। उसके लिए हमें चाहिए एक खीरा, तीन मिर्च, नमक, हींग, जीरा और धनिया। और हमने ये एक कटोरी दही लिया है जिसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेंगे। आइए शुरू करते हैं खीरे की रायते की रेसिपी। फ्रेंड्स, हम दही में पानी डाल के उसको फेंट लेंगे। हम दही को फैट रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने दही को फैट लिया है। अब हम खीरे को छील के और उसको कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। खीरे को घिस लिया है, अब हम इसको दही में मिला देंगे। खीरे को अच्छे तरीके से दही में मिला देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने खीरे को दही में मिला दिया है। अब ये हमारी जो हरी मिर्च है, हम इसको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हम मिक्सी के जार में जो हमने तीन मिर्च रखी थी उनको बारीक कर लेंगे और उसी के साथ साथ हम उसमें ये हरा धनिया भी बारीक कर लेंगे। धनिया और हरी मिर्च को बारीक कर लिया है, अब ये हम रायते में मिला देंगे। रायते में हरी मिर्च और धनिया मिलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें ये नमक ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें फाइनल टच देंगे, यानी कि हम इसको तड़का लगाएंगे। लगाने के लिए फ्रेंड्स, हम ये रमचा गरम कर रहे हैं और इसमें हम दो तीन बूंद तेल की डालेंगे, सरसों का तेल। हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और इसको गर्म होने का वेट करते हैं। फिर हम इसमें अपना जीरा और हींग ऐड करेंगे और फिर हम इसमें अपना तड़का दे देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें हींग डालेंगे और इसको अपने रायते में तड़के को लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमने रायते में तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद वो कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, मेरे खीरे का रायता बिल्कुल बनके रेडी है। देखिए आपको ये कैसा लग रहा है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।